मौसम तो साफ है लेकिन उस तरफ बादल गरज रहे, बहुत दिनों के बाद गरज रहे। इन दिनों में इतनी बारिश हो गई थी कि बादलों को गरजने का टाइम नहीं मिला। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, पंछियों की आवाज़ सुने। अभी सुबह का सबसे पहला काम जिया को स्कूल छोड़ना है। बारिश नहीं है और ऐसे ना पत्तों की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, तो ये आगाज़ है कि फेस्टिव सीजन आने वाला है। चलो जिया को स्कूल छोड़ के आ गया हूँ वापस घर पे। आज नाश्ते में बनाया पोहा, चाय के साथ पोहा। वाह, अभी थोड़ा सूखे कपड़े से इसको पोंछ दूंगा, फिर चकाचक हो जाएगी। वाह, लाल परी चमक गई है। गाड़ी धो के मेहनत हो गई है, अभी थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। वाह, गाड़ी धोने की मेहनत महीने की, और आज सुकांति जुया को लेने के लिए जा रही है। बाहर मौसम सुहाना है लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है, तो अभी अपने लिए मैंने एक कोकम शरबत बनाया, पीने वाले का भला हो। आज 27 जुलाई है, सैटरडे, तो अभी बजरंगबली के मंदिर में जाके आते। ये है बजरंगबली का मंदिर। अगर आपके दिल में कुछ भी तमन्ना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो ये लास्ट स्पॉट है, आप बजरंगबली से मांग सकते हैं। शनि महाराज है, ये है मंदिर परिसर, अगल बगल में ग्रीनरी देखिए कितनी है। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ है, तो शाम को यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। अभी बारिश में बंद है, ये पता चलता है क्योंकि बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं। मंदिर के पीछे साइड से ना
वहाँ पे नीचे एक झरना बहता है। चलना थोड़ा डेंजरस है क्योंकि ये पूरी काई जम गई है। यहाँ से वो झरने का आवाज़ सुनाई देता है। वो रहा, सुकांति पीछे रह गई। ये देखिए झरना, वाह पानी कितना है। इस साल बारिश बहुत हो गई है इसकी वजह से पानी बहुत है। वाह ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। बहुत दिनों के बाद हम लोग नीचे आए। ऊपर जाने के लिए अभी ये पूरे स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना है। बहुत सारे स्टेप्स चढ़ के आना पड़ता है। सुकांति थक गई है। हमारी धनु यहाँ खड़ी है।